देखिए, ये एसएससी जीडी 2018 में एग्ज़ाम दिए थे ये कमांडो। हम इनसे ये पता करना चाहेंगे कि जब रिटर्न का एग्ज़ाम दिए थे तो कट ऑफ कितना गया था फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बाद फिर कितना कट ऑफ बढ़ा था, यानी कितना नंबर बढ़ा था मेडिकल के लिए, और उसके बाद मेडिकल के बाद फिर फाइनल कितना नंबर बढ़ा था इनका मेरिट के लिए कट ऑफ से। तो उसी से एवरेज लग जाएगा कि इस बार का जो 2021 में लड़के एग्ज़ाम दिए हैं उसका भी एवरेज निकाला जा सकता है। लगभग वही जाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत जाएगा, या अब की बार माइनस मार्किंग एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा एक आध नंबर कम ही जाएगा। तो इनसे ही बात करते हैं क्योंकि ये कमांडो उस चीज़ को फेस कर चुके हैं और ये जो बताएंगे सही बताएंगे। हाँ बताइए कमांडो, आप बताइए कि जब रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग कितना कट ऑफ गया था और फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ गया था, यानी कि रिटर्न के बाद फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ गया था और मेडिकल के लिए कितना बढ़ोतरी हुआ था नंबर में, थोड़ा तेज़ी से बोलिएगा। सर यूपी का तो 78 में गया था, 78 जनरल का। अच्छा अच्छा हाँ। और उसके बाद जैसे हमारा वो हो जाता ना फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए 1 से 1.5 नंबर के समथिंग बढ़ा था सर। अच्छा अच्छा हाँ। उसके बाद जैसे मेडिकल के लिए हम जाते हैं फाइनल कट ऑफ होता है हमारा, उसमें 5 नंबर का फाइनल कट ऑफ था हमारा, 5 नंबर बढ़ा था। मतलब रिटेन के बाद फाइनल तक में केवल 5 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, 5 नंबर। तो यही एवरेज लगभग एससी एसटी वगैरह भी रहा होगा कि थोड़ा सेम था ऐसा ही हर एक में? हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा रहा होगा। थोड़ा बहुत अंतर आता है सर नक्सल एरिया वाले में, उसमें थोड़ा कम बढ़ता है। बॉर्डर एरिया में, जो बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया में सर, तो उसमें कम बढ़ता है क्या? हाँ सर, उसमें बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं सर। हाँ हाँ, नक्सल एरिया में वैकेंसी बहुत होती है लेकिन फॉर्म बहुत कम भरते हैं उसमें। हाँ, तो उनका कुछ बढ़ता है या उतने में रह जाता है? 2 से 3 नंबर के समथिंग बढ़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है 1 नंबर ही बढ़े, ऐसा भी हो जाता है सर। अच्छा, बाकी स्टेट का कुछ जानकारी है आप सबको? लगभग बाकी स्टेट का हरियाणा का भी ऐसा ही होता है, हरियाणा का थोड़ा 1 नंबर फालतू था इससे, नहीं यूपी से 1 नंबर ज्यादा होता है और हरियाणा, इन चारों का एक ही सेम रहता है। कहाँ कहाँ का? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनका सेम रहता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है सर, 1 नंबर बना रहता है, बाकी का सेम रहता है। तो अभी जो लड़के फिजिकल पास हैं, अगर मान लो जिसका कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज्यादा है तो इनका लगभग संभावना है कि मेडिकल में इनका नंबर आएगा ना? हाँ, मेडिकल के लिए तो कंफर्म होगा सर, पता नहीं उनका। एक नंबर बहुत है, जिसका 1 नंबर भी एक्स्ट्रा है ना वो मेडिकल के लिए तैयार रहे सर। अच्छा, जिसके हाँ जिसके 4 नंबर एक्स्ट्रा है वो फाइनल के लिए प्रॉपर तैयार रहे, उसका फाइनल हो जाएगा। अरे गुड, बढ़िया। तो अब की बार तो माइनस मार्किंग हुआ था एग्जाम, तो उसका कुछ लगभग आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा सर। तो अब की बार तो थोड़ा सा और कम जाएगी, मतलब इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं? हाँ, 3 से 4 नंबर, इससे कम फाइनल के लिए। फाइनल फाइनल के लिए 3 से। तो मेडिकल में 1-2 नंबर जिसके ज्यादा है कट ऑफ से वो भी मेडिकल देगा? हाँ, 1 नंबर वो फिजिकल जो उनका फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा नंबर आए हैं और उससे 5 नंबर ज्यादा है तो सिलेक्शन उसका पक्का। अच्छा अच्छा, बढ़िया। इस बार सर मेडिकल हो जाएगा, इस बार जो वो हुआ है ना मेडिकल के लिए जो सिलेक्ट होंगे, इस बबार जो फिजिकल हुआ है उसमें 252,000 कैंडिडेट के समथिंग उन्होंने वो दिया था फिजिकल। अब उसमें से 20 से 30 अब्सेंट हुए, 20 से 30% और उसमें फिर 50% पास हो रहे हैं, तो उसका मिनिमम मेरे हिसाब से 40% पास माने जाएंगे, 40% के पास पास हो जाएंगे उसमें, तो समथिंग 1 से 1,10,000 के पास मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे उसमें। हाँ, मतलब 1,10,000-20,000 तक यही एवरेज रहेगा। अब उसका फिर मेरे समथिंग वो 3 से 4 नंबर ज्यादा बढ़ेगा नहीं सर फाइनल कट ऑफ, 4 नंबर जिसका भी है कंफर्म हो जाएगा उसका 100%। तो लड़कियों का भी यही लगभग रहेगा या लड़कियों का सर कम रहता थोड़ा? अच्छा, थोड़ा अंतर रहता है लेकिन रहेगा सेम सर। अच्छा, लेकिन उनका थोड़ा कम रहेगा। चलिए ठीक है, मतलब कहने का यह है कि काफ़ी लड़के जो परेशान है, जो 10-10, 15-15 नंबर कट ऑफ से ऊपर ले रखे हैं, वो भी परेशान है कि मेडिकल में नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेडिकल की तैयारी करें अपने, मेडिकल के लिए पूरा भी चेकअप करा लें अपना। अच्छा, प्री मेडिकल? हाँ, प्री मेडिकल। प्री मेडिकल सही होता है क्या? प्री मेडिकल जरूरी है सर, जो भी अपनी समस्या होती है, अपने कोई भी दिक्कत होगी वो आपको पता चल जाएगी और उसको आप सही भी करा सकते हो। तो कुल मिला जुला कर आप हम सब यही
कहें लोगों से कि जो एक डेढ़ एक दो नंबर भी जिसका ज़्यादा है, दो तीन नंबर, वो सब लोग लगभग अपना मेडिकल की तैयारी, जिसका भी ज़्यादा वो 100% मेडिकल जाएगा। एक नंबर मेडिकल के लिए तो एक से डेढ़ नंबर बहुत है, फाइनल से बाहर हो जाए लेकिन मेडिकल में 100% जाएगा। हाँ तो फाइनल में कोई बात नहीं, अभी मेडिकल देने के बाद और डाउन जा सकता क्योंकि माइनस मार्किंग था। हाँ ऐसा हो सकता, बराबर भी हो जाए। चलिए ठीक है यार, आप सबने अपना अनुभव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।